अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं आपको पैच बनाना और पैच कॉर्नर बनाना बता रही हूँ, और पैच कॉर्नर पैच को किस तरह से लगाया जाता है ये भी बता रही हूँ मैं, क्योंकि पैच की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है कपड़ों में। अगर ये हमारे पैच के कॉर्नर सही बने हुए ना हों और ये सही तरीके से ना लगे हों तो पूरे कपड़े की खूबसूरती ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इसका कॉर्नर असल में किस तरह से बनाया जाता है। ये देखिए, जो इसकी ये इसके लिए मैंने एक पट्टी ली है और इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद जो ये साइड इसकी खुली हुई है, इस साइड से मैं इसको इस तरह से इसको फोल्ड किया है। ये देखिए, मैंने बिल्कुल इसको स्ट्रेट रख लिया है। ये बिल्कुल इस तरह से है, इसको मैंने बिल्कुल सीध में रख लिया है। ये वाली साइड इसकी खुली हुई है और ये बंद है। अब इसको मैं इस तरह से काट लूँगी। ये देखिए, ये कॉर्नर इधर से बन गया है। अब दूसरा भी मैं इसके मुताबिक बनाऊँगी। ये देखिए, इसको भी मैं इसके मुताबिक काट लूँगी। और ये दरमियान से एक ट्राइंगल निकल आएगा। अब जब मैं इसको खोलूंगी तो ये बिल्कुल एक एरो की शक्ल आ जाएगी दोनों पट्टियों की। अब मैं इसको इस तरह से जोड़ लूंगी। इसको मैं इस तरह से जोड़ लूंगी। पहले से मेरे पास एक बना हुआ कॉर्नर है, ये आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये बिल्कुल इसी तरह से सिला हुआ है। सीने के बाद इसको वापस पलट लिया। पलटने के बाद ये देखें, ये हमारी शेप ले लेगा। अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ कि इसको लगाया किस तरह जाएगा, कपड़े के ऊपर इसको किस तरह से सेट करना है। लगाने से पहले इसमें छोटा सा एक कट डालना है। ये देखिए, मैं इस साइड में कट डालूंगी, क्योंकि इसको अगर हम डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो ये हमसे लगेगा नहीं। इतना जितनी एक पाँव की सिलाई होती है इतना सा मैंने इसको कट डाला है। ये देखिए, अब इसको मैं लगाकर दिखाती हूँ कि इसको कपड़े पर किस तरह से सेट करना है। कर लिया। देखिए, जो मैंने कट लगाया हुआ है इस पर, ये इस तरह इसको मैंने, ये जो निशान है जहाँ पर मैंने सिलाई करनी है, इसको इतना सा मैंने पीछे रखा है। और रखने के बाद अब मैं आपको इसको सिलाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ तक लेकर आई हूँ। अब जब मैं इसको वापस पलटूँगी ये देखें, इस निशान पर मैंने वापस मशीन चलानी। ये आप देख सकते हैं, ये कॉर्नर इसका तैयार हो गया है। इसी तरह ये देखें कि ये वाली साइड बंद है, और लेकिन ये वाली साइड जो है खुली है। अगर ये शर्ट में हमने पैच लगाना है तो ये साइड खुली हो तो कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन अगर ये इसी तरह के पैच हम तकियों में भी लगा सकते हैं, रजाइयों में लगा सकते हैं, और बेडशीट पर भी लगा सकते हैं, इसके अलावा दुपट्टों पर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम दुपट्टों पर इस तरह के ये पैच लगाएंगे तो उसके लिए हमें ये सिलाई खुली नहीं छोड़नी पड़ेगी, वरना बुरी लगेगी। इसके लिए हमें ये गुम सिलाई में ये हमें पैच बनाना पड़ेगा। उसका तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने एक ये सीधी पट्टी ली है। सीधी पट्टी को मैंने ये किनारे मोड़कर इस तरह से प्रेस कर लिया है। अगर हमें दुपट्टे पे इस तरह से पैच लगाना है या किसी ऐसी चीज़ पर लगाना है जिसको हम नहीं चाहते कि उसकी सिलाइयाँ खुली हुई नज़र आएं,
तो इस तरह से ये कपड़े में रख के हमने इस तरह सीना है। ये कपड़े को दरमियान में रखा है। रखने के बाद इसको सीते रहेंगे यहाँ तक कॉर्नर जब हमारा आ जाएगा, फिर इसका कॉर्नर बनाना है। अब इसको मैं वापस इस तरह से सी लूंगी। ये देखिए ये ट्रायंगल बन गया, ये इस तरह से निशान बन गया। और बनाने के बाद इसको बिल्कुल इसी तरह के इसको मैं नीचे की साइड फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए और इस तरह जितना कपड़ा हम अंदर करना चाहते हैं उसके बाद तो इस तरह से सीना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारे कॉर्नर साफ सुथरे कॉर्नर हमारे तैयार हो जाते हैं और इनको हम मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं।